तन्वी जिस घर के दरवाजे के सामने खड़ी हुई थी उस घर के दरवाजे के ऊपर कलावा बंधा हुआ था। ये वही कलावा था जो दास गांव के हर घर में मेघनाथ मंदिर के पुजारियों ने बंधवाया था, मेघ की चुड़ैल से गांव वालों की रक्षा के लिए। तन्वी अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उस दरवाजे के ऊपर का कलावा खोलने लग जाती है। जैसे ही वो कलावा खोलने की कोशिश करती है, आसमान में मंडरा रहे चील और तेज तेज चिल्लाने लग जाते हैं। तन्वी उस घर के दरवाजे पर बंधा कलावा खोल लेती है। उस घर के दरवाजे का कलावा खोलने के बाद तन्वी दास गांव के दूसरे घर की तरफ बढ़ने लगती है। जैसे जैसे वो चलती जा रही थी, आसमान में मंडरा रहे चील भी उसके साथ चलते जा रहे थे। तन्वी दूसरे घर के दरवाजे के पास जाती है, उस दरवाजे का कलावा खोलती है और तीसरे घर की ओर बढ़ जाती है। एक एक करके तन्वी दास गांव के सभी घरों के दरवाजे पर बंधा कलावा खोल देती है। अगले ही पल अचानक से तन्वी बलमा टोला गांव पहुंच जाती है और बलमा टोला गांव के भी हर घर के दरवाजे पर बंधे कलावे खोलने लग जाती है। चीलों का झुंड अभी भी तन्वी के सिर के ऊपर मंडरा रहा था। तन्वी के हाथ में बहुत सारे कलावे जमा हो गए थे। उसने बलमा टोला गांव के सभी घरों के दरवाजों पर बंधे हुए कलावे खोल दिए थे। अगले ही पल तन्वी रुद्र के घर के पीछे वाले जंगल के तालाब के पास पहुंच जाती है। तन्वी ने उन कलावों को अपने दोनों हाथों में पकड़ रखा था। तन्वी तालाब की सीढ़ियों के पास खड़ी हुई थी। तन्वी अचानक से मुक्ति 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 बोलने लग जाती है और अपना लेफ्ट पैर पानी के अंदर डालती है। जैसे ही वो पैर पानी के अंदर डालती है, आसमान में मंडरा रही चील जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अचानक से पूरा वातावरण बदल जाता है। कुछ समय पहले जो शांत माहौल था, अब उस माहौल में चीलों और जंगली जानवरों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। तन्वी मुक्ति मुक्ति कहते हुए तालाब के अंदर आगे बढ़ती जा रही थी। उसकी कमर तक पानी आ गया था। उसकी लाल साड़ी पानी से भीग चुकी थी। अचानक से तन्वी का चेहरा बदल जाता है। उसका आधा चेहरा जल जाता है। तन्वी का चेहरा छाया के चेहरे में बदल जाता है। तन्वी की लाल रंग की साड़ी भी आधी चल गई थी, ठीक छाया की साड़ी की तरह, जब उसे 19 साल पहले जलाया गया था। तालाब में आगे बढ़ते बढ़ते तन्वी तालाब के अंदर डूब जाती है। जैसे ही वो पानी के अंदर डूब जाती है, ऐसी आवाज आती है जैसे तब आती है जब कोई गर्म चीज को ठंडे पानी के अंदर डाल दिया जाता है। नहीं नहीं नहीं, कहते हुए रुद्र अपने सपने में से उठ जाता है। जब वो उठता है तो देखता है कि अर्जुन जाग रहा था और कमरे में ही बैठकर सिगरेट पी रहा था। यार, तुझे कैसे पता कि मैं सिगरेट पी रहा हूं और तू मुझे रोक क्यों रहा है? फिक्र मत कर, खिड़की खोल दी है मैंने और हवा भी चल रही है, नीचे चाचा चाची के कमरे तक स्मेल नहीं जाएगी। अर्जुन ने सिगरेट के कश खींचते हुए कहा। रुद्र की नहीं नहीं की आवाज सुनकर पीयूष और समीर भी जाग जाते हैं। यार, मैं तुझे नहीं 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 बोल रहा हूं, मैं तन्वी को रोक रहा था, रुद्र ने कहा। क्या कहा? तन्वी को रोक रहा था मतलब? अर्जुन ने हैरानी के साथ कहा। यार, मैंने एक सपना देखा जिसमें तन्वी दास गांव और बलमा टोले गांव के घरों के दरवाजे पर बंधे हुए कलावे खोल रही थी। वही कलावे जो मेघनाथ मंदिर के पुजारियों ने मेघ की चुड़ैल से दोनों गांवों की रक्षा के लिए बंधवाए हैं, रुद्र ने कहा। पर तन्वी ऐसा क्यों करेगी? पीयूष ने कहा। क्योंकि क्योंकि
क्योंकि वो हमारी तन्वी नहीं थी, बल्कि उसके अंदर मेघ की चुड़ैल थी। वो छाया थी, वही छाया जिसे 19 साल पहले जला दिया गया था। और इस बार तो मैंने उसका वो आधा जला हुआ चेहरा भी देखा। रुद्र ने कहा, क्या बात कर रहा है, तूने छाया का चेहरा देखा? अर्जुन ने कहा, हाँ भाई, जब तन्वी मुक्ति मुक्ति बोल रही थी और बोलते बोलते तालाब के अंदर जा रही थी, तो अचानक से उसका चेहरा जलने लग गया और वो चेहरा एक दूसरे चेहरे में तब्दील हो गया। और हो ना हो, वो छाया का ही चेहरा था, क्योंकि आखिर उसे ही तो जलाया गया था 19 साल पहले मेघ गांव के अंदर। रुद्र की बात सुनकर पीयूष डरने लग जाता है और कहता है, क्या बात कर रहा है भाई, यार मुझे लगता है तन्वी अभी भी तालाब के पास ही होगी। हमें वहां पर जाना चाहिए और उसे लेकर आना चाहिए, कहीं वो चुड़ैल उसे कुछ कर ना दे। रुद्र ने कहा, यार तू पागल हो गया है क्या, मौत को न्योता क्यों दे रहा है? वो तालाब भी जादुई तालाब है, भूल गया? उस बार जब तेरी शादी में हम लोग वहां नहाने गए थे तो किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया था। पीयूष ने कहा, वो जादुई तालाब नहीं है, मायावी है। उस तालाब को मायावी शक्तियों से छाया ने जकड़ के रखा है, क्योंकि एक बात तुमने नोटिस की कि ज्यादातर घटनाएं तालाब के पास ही होती हैं। रुद्र के पापा की मौत भी वहीं हुई, भिखारी की मौत भी वहीं हुई, गौरी की लाश और पिछली बार अनन्या भी हमें वहीं पर मिली थी। हो ना हो, इस तालाब का भी कुछ ना कुछ कनेक्शन तो जरूर है मेघ गांव से। अर्जुन ने कहा, यार अर्जुन की बात में दम तो है। समीर ने कहा, तो फिर भाई लोग देर किस बात की है, हमें अभी उस तालाब के पास चलना चाहिए, हो सकता है तन्वी हमें वहां मिल जाए। रुद्र ने कहा, यार रुद्र तुझे पता है ना तू क्या बोल रहा है, तू अपनी जान को खतरे में डाल रहा है, साथ में हमारी जान भी दांव पर लगा रहा है, रात में तालाब के पास जाना खतरे से खाली नहीं है। पीयूष ने कहा, यार तुम लोगों को चलना है तो चलो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ मेरे तन्वी को ढूंढने। रुद्र ने कहा, क्या कहा, मेरी तन्वी? रुद्र, तू शायद भूल रहा है कि अब वो तेरी नहीं किसी और की तन्वी बन गई है। समीर ने कहा। रुद्र समीर की बातों का कुछ जवाब नहीं देता और वहां से जाने लगता है। अरे कहां जा रहा है अकेले, रुक हम भी आ रहे हैं। अब दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी ना, तू कुएं में कूदेगा तो तुझे क्या लगता है हम नहीं कूदेंगे? कहते हुए पीयूष भी रुद्र के साथ कमरे से बाहर निकल जाता है। समीर और अर्जुन भी साथ में बाहर चले जाते हैं। रात के 3 बज रहे थे और आधी रात बीत चुकी थी। झिंगुर की ची ची की चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। यार रुद्र, तुझे अभी भी लगता है कि हमें तालाब के पास जाना चाहिए? पीयूष ने रास्ते में चलते चलते कहा। रुद्र पीयूष की बात का कोई जवाब नहीं देता और आगे बढ़ता जाता है। चलते चलते वो लोग तालाब के पास पहुंच जाते हैं। तालाब के पास बहुत अंधेरा था, तालाब का पानी शांत था, आसपास मेंढकों के टरटराने की आवाजें सुनाई दे रही थी। रुद्र और उसके दोस्त तालाब के पास तन्वी को ढूंढने लग जाते हैं, पर उन्हें तन्वी कहीं पर भी नहीं मिलती। यार मैंने कहा था ना, तन्वी यहाँ नहीं होगी, हम बेफालतू में आ गए, समीर ने कहा। पर मैंने सपने में तन्वी को यहीं पर देखा था, वो यहीं है, रुद्र ने कहा। यहीं होगी तो फिर कहाँ है तन्वी? हाँ रुद्र, कहाँ है, नजर आ रही है क्या? समीर ने कहा। मैंने तन्वी को सपने में पानी में डूबते हुए देखा था और मुझे लगता है वो पानी के अंदर होगी, मुझे पानी के अंदर जाना होगा, रुद्र ने कहा। ये तू क्या बोल रहा है रुद्र, पानी के अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है, उस चुड़ैल ने तुझे कुछ कर दिया तो? पीयूष ने कहा। हाँ रुद्र, पीयूष ठीक बोल रहा है, पानी में जाना ठीक नहीं है, अर्जुन ने कहा। और वैसे भी पानी बहुत ठंडा है, पानी में जाने की वजह से तेरी तबीयत भी खराब हो सकती है,
समीर ने कहा। अर्जुन, पीयूष और समीर बहुत कोशिश करते हैं रुद्र को समझाने की, पर वो उनकी बात नहीं मानता और अचानक से पानी के अंदर छलांग लगा देता है।